देख रहे हो आप? इतने बड़े जहान में एक जगह यह भी है, कुछ सुकून मिल जाता है यहाँ इन जगहों पर। भाग दौड़ भरी जिंदगी में कुछ आराम मिल जाता है यहाँ इन जगहों पर। जिंदगी हंसती है, मुस्कुराती है यहाँ इन जगहों पर। एक उदासीन खालीपन सा है यहाँ इन जगहों पर। दिल झूम जाता है, यहीं कहीं खो जाता है। दर्द चाहे जैसा भी हो, कुछ आराम मिल जाता है यहाँ इन जगहों पर। सुक्का भाया, ऐसी मार मारुला कोई कुटेला को खत्म बंद कर दे ना, मुसीबत है। नहीं, मेरे को एक चीज जाननी है आपसे। ये बताइए, खेतों के अंदर गरम गरम चाय पीने का स्वाद क्या, मतलब कैसा आनंद आया आपको? आप तो वहाँ से टेलते टेलते आए, ऐसे ऐसे आके पी लिए। रियली बात तो यह है कि मैं आया तब तक चाय ऑलरेडी ठंडी हो गई। गर्म थी नहीं, ठीक है। अगर छाता तो मैं एक घूट में वहीं पी सकता था, लेकिन लेकर आया यहाँ पे भी गए और कहकर भी ये बोला था कि कब को ले आए, लेकर आ जा। तो कब को लाया, मैं चाय तो पी गया। ये डिज़ाइन, इसके ऊपर ये और कुदरती डिज़ाइन। अगले गाले ये दिन न मिलेंगे कल, थोड़ी खुशियाँ थोड़े गाले ये पानी। अगर दिल लगी न होती तो पहाड़ों के शहर में सुकून कहाँ से मिलता, इन नज़ारों में खुद को नज़रअंदाज में कहाँ कर पाता। नज़रअंदाज से मेरा मतलब है मिट जाना, कुछ बाकी ना रह जाना। जिंदा हूं मैं ये एहसास भी ना रह जाना। यहाँ की दुनिया, यहाँ के नज़ारे, क्या बात है। माँ की मूरत, ये खुशनुमा सूरत, ये प्राचीन कारीगरी, ये विरासत, और भी बहुत कुछ है यहाँ, बहुत कुछ है। हर हर महादेव। भक्ति, शक्ति, मुक्ति। अरे खाओ दादा, डार्ली खाए।
कट जा रही है बा? बवाल माता, बवाल माता, देख रहे हो आप बवाल माता की खूबसूरती। ये खूबसूरती यहाँ की प्रकृति की है, बवाल माता की आसपास के वातावरण की। वाह यार, पत्ता नया नया निकल रहा है, मतलब पैदा है। चलो भाई आज हम किसी जन्म लेते हुए और देखो। देख नहीं, पत्ता निकल रहा है, देख तुम्हारे भाई। कहाँ जा रही हूँ? वो अभी इस थैली के अंदर है जुगाड़। ये कुछ पौधे हैं, इच्छा है कि इनको बड़ा होते हुए देखे, इसलिए जा रहा हूँ। तब तक ये लगाऊंगा नहीं, तब तक तो ये बड़े होने की कोई चांस भी नहीं है। तो कर्म तो करें, फल तो बड़ा होने को देखेंगे। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम महका करेंगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में। रहे ना रहे हम। मौसम कोई हो इस चमन में रंग बन के रहेंगे इन फिजा में। मेरे युवा साथियों, ये एक रिक्वेस्ट है, तो ये संदेश है कि आप पेड़ लगा सकते हो तो लगाइए, अगर आपको टाइम नहीं है तो जो लगा सकता है उसे सपोर्ट कीजिए। तो किसी ने अगर सत्य नहीं पूछा ही तो शायद आज ये मेरे से नीचे दिख रहा, लेकिन आने वाले टाइम में मेरे से ऊपर दिखेगा और मैं इसके नीचे दिखूंगा बैठा हुआ। जिंदगी है जो इधर उधर सफर करती रहती है और हजारों कहानियां उसके इर्द गिर्द बनती बुनती रहती है। मैं उन हजारों कहानियों के झुंड में से एक आध कहानी के लम्हों को इन व्लॉग्स की शक्ल में आप लोगों तक लाता रहता हूं, ताकि एक हंसी मेरे नाम की भी हो, आपकी खुशी में थोड़ी वजह मेरे काम की भी हो।
अच्छी थी बली कैसी थी कहानी जल्दी बताना अगली गली में एक और कहानी इसी चैनल पर आने वाली घंटी थम सब दबा कर रखना कमेंट बॉक्स में दिल का हाल सुनाते रहना अच्छी थी बली कैसी थी कहानी जल्दी बताना अगली गली में एक और कहानी इसी चैनल पर आने वाली घंटी थम सब दबा कर रखना कमेंट बॉक्स में दिल का हाल सुनाते रहना अच्छी थी बली कैसी थी कहानी ओके बाय।